أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء الذي بكت له الأرض والسماء وناحت إليه الوحوش في الصحراء والطيور بين الفضاء. صلى الله عليه وعلى جد الأنام أفضل الأنبياء خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الطيبين الطاهرين الشرفاء وأبيه أبي الأوصياء وأخيه أخي الحلم والوفاء وأمه سيدة النساء وآله المعصومين النجباء وأنصاره المرملين بالدماء وسائر المستشهدين في أرض كربلاء ولعنة الله على قاتليه الأعداء وظالميه الأشقياء ومنكر ولاية ما دام الصبح والمساء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب العلا وخطاب الهدى وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. आज यकम मार्च और तीन जमादियुस्सानी की रात अजर-ए-रिसालत.com जिसकी इब्तिदा तकरीबन आज से 10 साल पहले जनाब मरहूम मगफूर सैयद अनवार हुसैन कादमी साहब और उनके साथ उनकी टीम ने की और उनकी टीम की मुसलसल कोशिशों से, जो कि पूरी दुनिया में फैली हुई है, मुसलसल कोशिशों और काविशों से आज इसके लाखों फॉलोअर हैं और लाखों मोमिनीन के, लाखों मुसलमानों के मसाइल इससे हल होते हैं। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अजर-ए-रिसालत.com की टीम ने यह फैसला किया है कि हफ्तावार वीडियो क्लिप्स सीरियल्स का एक प्रोग्राम शुरू किया जाए जिसमें मुख्तलिफ मौजूआत पे बात हो और इसके अलावा वो सवालात जो बुनियादी सवालात हैं जो कि मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम से किए जाते हैं उनका जवाब दिया जाए, ताकि लाखों लोग जो इसके फॉलोअर हैं, जो खुद सवाल को जानना चाहते हैं, इसलिए अपने लिए या आगे किसी को बताने के लिए, उन तक ये सारी बात पहुंचे और ये बात जहन में रहे कि जो बात अजर-ए-रिसालत.com के प्लेटफॉर्म की तरफ से की जाएगी वीडियो क्लिप की सूरत में हो या उसके अलावा कोई पोस्ट शेयर किया जाए, तो वो इंशाअल्लाह फरीकैन की कुतब से साबित होगी और अगर किसी एक फरीक की कुतब में बात होगी तो वो भी साथ में कहा जाएगा कि ये शिया किताब में है, और अगर साथ में सुन्नी किताब में भी होगी तो ये बताया जाएगा कि ये दोनों शिया सुन्नी किताबों में ये बात शामिल है, लिखी हुई है। सबसे पहले, चूँकि आज यकम मार्च है और ऐसी मुनासबत कि जिससे बड़ी को मुनासबत हो ही नहीं सकती, तीन जमादियुस्सानी शहादत हज़रत मखदूमा ताहिरा मुतहरा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मखदूमा की शहादत की रात। और चंद दिन पहले जो प्रोग्राम बना, ये अजर-ए-रिसालत की मौला की बारगाह में कबूलियत की दलील है कि इत्तेफाक से आज की रात इसकी इब्तिदा हो रही, इत्तेफाक से, कोई प्लान नहीं था, कोई प्रोग्राम नहीं था, आज की रात इत्तेफाक से इसका इब्तिदा हो गई। और सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि उसी बात से इब्तिदा की जाए जिस पर इस वेबसाइट का, इस पेज का नाम है। इसका नाम रखा गया जो कि नाम रखा था मरहूम मगफूर सैयद अनवार हुसैन कादमी साहब ने, अजर-ए-रिसालत.com।
अजर रिसालत। अजर रिसालत एक ऐसा नाम है जिसको उसी रसूल के मानने वाले याद ही नहीं करना चाहते, और अगर अजर रिसालत को याद रखा जाता जितना नमाज को याद रखा, जितना रोजे को याद रखा, जितना हज को याद रखा, बेशक ये याद रखने वाली बातें हैं, इन पर अमल वाजिब है, लेकिन अगर इनकी तरह अजर रिसालत जो कि बाकायदा तलब किया गया था इसको याद रखा जाता तो यकीनन आज ये फिरके ना होते, आज ये मसालिक ना होते, बल्कि यहां तक आज तक ना कुफर होता, आज ये जो इस्लाम जाहरी तौर पर मुसलमान कम है, काफिर ज्यादा है, चाहे वो काफिर ईसाई की सूरत में हो, यहूदी की सूरत में हो, हिंदू की सूरत में हो, सिख किसी भी सूरत में हो, काफिर मुसलमानों से ज्यादा है। अगर अजर रिसालत को भुलाया ना जाता और वो अजर रिसालत जो खुदावंद आलम ने मांगा था कुरान में, जो कि मैंने उनवान रखा है कुल ला असअलुकुम अलैह अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि ए हबीब इनसे कह दो कि हम आपसे कुछ नहीं मांगते मगर मांगते हैं, यानी जो ना मांगने वाला था उसने मांग लिया और वो ही जानता है कि मैंने क्या मांगना है, मांगा क्या, कुल ला असअलुकुम अलैह अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कुछ नहीं मांगता मगर मांगता हूं कि मेरी अहले बैत से मवद्दत करना। अगर लफ्जों की बात की जाए कुल ला असअलुकुम अलैह अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कुर्बा का जो सीगा है वो वाहिद मुअन्नस अफलो तफजील का सीगा है, यानी सबसे नजदीकी औरत जो मुस्तफा के हैं, जो बीबी सबसे नजदीकी है मुस्तफा के, उसकी मवद्दत मांगी जा रही है और वही मखदूमा उसी की आज रात है जिसके हम इब्तदा कर रहे हैं अपने प्रोग्राम्स की, जो इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। तो मवद्दत मांगी गई मखदूमा की, और अफसोस जानने वाले जानते हैं, किताबों में लिखा और फरीकैन की किताबों में लिखा है कि जिस बीबी के लिए मवद्दत मांगी गई थी, मोहब्बत भी नहीं, मोहब्बत और मवद्दत में फर्क होता है, मोहब्बत आज किसी चीज से मोहब्बत है कल को खत्म हो सकती है, बल्कि नफरत में तब्दील हो सकती है, किसी चीज से मोहब्बत दी उसकी हालत चेंज हुई, हमको उसे नफरत हो गई या मोहब्बत खत्म हो गई या नफरत में तब्दील हो गई, लेकिन मवद्दत ऐसा नहीं, मोहब्बत नहीं कहा, मोहब्बत भी अरबी का लफ्ज है, मवद्दत भी अरबी का लफ्ज है, कुरान अरबी ने मोहब्बत नहीं मांगी मवद्दत मांगी है। क्या उलमा ये मिसाल देते हैं कि मछली को पानी से मवद्दत है, यानी अगर मछली को पानी से जुदा किया जाए तो मर जाएगी, मोहम्मद वाले मोहम्मद भी और खुदा भी हमसे ये चाहता था कि मोहम्मद वाले मोहम्मद से इस तरह मवद्दत करना, इस तरह मोहब्बत करना कि अगर तुमको उनसे जुदा किया जाए तो गोया मर गए हो। तो बेशक जो उनसे जुदा है वो चलती फिरती लाशें हैं, और इसलिए मेरे मुस्तफा ने फरमाया मन मात अला हुब्बे आले मोहम्मद मात शहीदा, जो मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत रखते हुए मर जाए, चाहे वो जिंदा हो फिर भी जिंदा है, मोहब्बत रखता हुआ मर भी जाए फिर भी जिंदा है, क्योंकि शहीद जिंदा होता है। तो वो अजर रिसालत जो खुदावंद आलम ने मांगा था वो नहीं दिया गया, अगर दिया गया होता तो ये सारे मसाइल ना होते, अगर दिया गया होता तो बीबी की इस तरह से शहादत ना होती। एक बड़ा अच्छा लफ्ज पिछले चंद सालों से जब से ये सोशल मीडिया आया है इस पे गर्दश कर रहा है कि तारीखे इस्लाम की सबसे पहली दहशतगर्दी, सबसे पहली दहशतगर्दी मोहम्मद की बेटी के घर में हुई। जहां तक जो जो सुन रहा है, जहां तक आवाज जा रही है, इंसाफ करके देख लेना, आज जो उसी पैगंबर की बेटी को रोते हैं आज भी उनके ऊपर ही दहशतगर्दी की जाती, और जिनके बड़ों ने की थी वो करते, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, बिल्कुल वाजे सी बात है। ये बातें थोड़ी सख्त हैं लेकिन चूंकि मुनासिबत ऐसी है, हम नहीं छोड़ सकते मुस्तफा की बेटी को,
हम नहीं छोड़ सकते उस बात को, उस जुल्म को जो मुस्तफा की बेटी पे किया गया, जिसकी वजह से सैयदा मुतहरा ताहिरा हजरत फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा ये फरमाने पे मजबूर हो गई, सुब्बत अलैल मसाइब सिरनल अयाम लया लया, ए बाबा तेरे जाने के बाद मुझ पे वो मसाइब आए कि अगर सफेद दिनों पे आते काली रातें बन जाती। हम कैसे छोड़ सकते हैं, हम कैसे भूल सकते हैं? जब भूल नहीं सकते तो हक की बात जब हम करेंगे तो अल हक को मुर्रुन, हक कड़वा होता है। हम किसी को मारने का कायल नहीं, किसी पर जुल्म का कायल नहीं, किसी पर जबर के कायल नहीं, दलील से बात करते हैं, हवाले से बात करते हैं। मारता वो है जिसके पास दलील ना हो। हमारा मौला तो वो थे, एक देखने और सुनने वालों की इल्म में इजाफा कर दूं, बहुत सारे लोग जानते होंगे जो नहीं जानते, बच्चों के लिए खास करके बात अर्ज कर रहा हूं। हमारा मौला अमीर मोमिन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम वो हस्ती थे कि जब चौथी खिलाफत पे जाहरी तौर पर बिठाया गया तो एक बड़े नामवर सहाबी, एक से ज्यादा थे, मैं एक का नाम ले रहा हूं, अब्दुल्ला इब्न उमर और साद बिन अबी वकास, इन्होंने अली की बैत करने से इनकार कर दिया और कहा हम इसको खलीफा नहीं मानते। जब इन्होंने इनकार किया, बात जहन में रहे हम किस मौला के मानने वाले हैं, जब खुद अली की खिलाफत का इनकार किया गया चौथे मकाम पर भी, क्यों किया गया ये और बात है, ये साथ साथ अगले वीडियो क्लिप्स में सारी बातें आती रहेंगी, क्यों किया, किसने किया, उसका नुकसान क्या था, पहले क्यों बने, दूसरा क्यों बने, और पहले खलीफा कैसे बने, दूसरे कैसे बने, ये बहुत अहम बातें हैं जो फरीकैन की कुतब से इंशाल्लाह आइंदा आप खिदमत पे पेश की जाएंगी, बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ, ना नफरत की बात, ना जुल्म की बात, ना हर धर्मी की बात, दलील से बात की जाएगी और फरीकैन की कुतब से बात की जाएगी। और ये फरीकैन की कुतब में दर्ज है कि जब इनकार कर दिया अली के सामने बैठकर चौथे मकाम पर भी अली को खलीफा मानने से, तो बहुत सारे लोग उठे इनको कत्ल करने के लिए। जब कत्ल करने लगे तो खुद अली बोले क्या करीम मौला है मेरा, खुद मौला अमीर बोल के कहते हैं ना मारो इसको, मैं इसकी जमानत देता हूं ये बगावत नहीं करेगा। तो हम उस मौला के मानने वाले हैं कि खुद मौला का इनकार कर रहे थे लेकिन इमाम ने फिर भी जमानत दे दी। हम लड़ाई की बात नहीं करते, हम झगड़े की बात नहीं करते, हम दलील से बात करते हैं, लेकिन रात ऐसी है कि हमें बताना पड़ रहा है कि अजरे रिसालत जो मांगा गया वो नबी जादी के दर पर दहशतगर्दी करके दिया गया। ये हम नहीं भूल सकते, ये हम दलील के साथ लोगों तक पहुंचाते रहेंगे, और जिसे खुदा ने हिदायत दी उसे मिल जाएगी, और जिन जो मोहम्मद की बेटी का कुछ नहीं लगता वो मोहम्मद का कुछ नहीं लगता। ये मैंने कह रहा बुखारी शरीफ में हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है, अल फातिमतु बज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, फमन अग़ज़बहा फ़क़द अग़ज़बनी, जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया, फमन अग़ज़बनी अग़ज़बल्लाह, और जिसने मुझे नाराज किया, जिसने मुझे गजबनाक किया उसने अल्लाह को गजबनाक किया। खुदा गवाह है इसी बुखारी में जो हदीस मौजूद है, इसी बुखारी में दूसरी हदीस मौजूद है कि फातिमा किसी शख्स पे गजबनाक हुई, फलम तुकल्लम हत्ता तुवफियत, और मरते दम तक कलाम न की। तो पैगंबर ने फकत सैयदा के बारे में कहा है, इसके अलावा किसी के बारे में नहीं कहा। जब फातिमा के बारे में कहा है तो जो फातिमा पर जुल्म करेगा वो जालिम कहलाएगा, वो गासिब कहलाएगा, वो गुनाहगार कहलाएगा। जो फातिमा पर जुल्म करेगा वो खुद मोहम्मद पर जुल्म करेगा। तो चूंकि इसका नाम अजर रिसालत के नाम से है, ये सारी बातें पॉइंट के साथ हवाले के साथ इंशाल्लाह मुस्तकबिल में आप तवज्जो रखिएगा, और इसको इस पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों को मशवरा दें इस पे आने की, दोस्तों के दिखाएं, क्योंकि हर बात दलील और हवाले के साथ की जाएगी। और अपने मुफीद मशवरों और फीडबैक से इसको नवाजते रहें, कमेंट्स में नवाजते रहें, मजीद बेहतर मशवरा दे दें, और अगर कोई सवाल हो आपके जहन में तो वो भी किया जा सकता है जो हमें नहीं आता, हमारे उलमाए किराम मौजूद हैं,
हमारे मराज एजाम मौजूद है, हम उनसे पूछकर सारे मसाइल का हल आपकी खिदमत में इंशाल्लाह पहुंचाते रहेंगे। तो ये पहली किस्त थी ajr-e-risalat.com की। तो दुआ है खुदावंद आलम से कि उस मखदूमा के सदक़े में, जो मखदूमा जिनकी शहादत की आतराज है, जो जो इस वीडियो को देख रहा है, जो सुन रहा है, जो जो पाक बीबी का जहां पे जितनी सतह का भी वकील है, मौला उसकी तमाम तर परेशानियां दूर फरमाए और तमाम मोमिनीन को सही मानों में मोहम्मद वाले मोहम्मद के कहने पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन।